बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए हर दांव चल रही है। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहां से पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में 15 ब्राह्मणों और 3 वैश्य जाति के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी के ब्राह्मण और वैश्य कोर वोटर है। पार्टी ने जो किया है सोच समझ के किया होगा, अच्छा किया होगा। बहुत सारे लोगों को उनकी आशा के अनुरूप परिणाम मिले हैं, बहुत सारे लोगों को उनकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। अभी सब लोगों को सोचने समझने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि सब विषय पर सब लोग विचार करके आगे का निर्णय लेंगे। बीजेपी ने 4 धार्मिक नेताओं को भी टिकट दिया है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 10% महिलाओं को टिकट दिया है। इन 6 महिलाओं में 3 दिन पहले भाजपा में शामिल होने वाली उत्तराखंड महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और नैनीताल से पूर्व विधायक सरिता आर्य को भी उतारा गया है। तो बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता को भी चकराता सीट से उतारा गया है। वहीं चेहरा बदलने की नीति के तहत 10 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की विधायक बेटी रितु खंडूरी का टिकट कट गया है। वह यमकेश्वर से विधायक थी। वहीं विवादों से पार्टी को मुश्किल में डालने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट कट गया है, लेकिन उनकी जगह पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। चैंपियन तमंचा लहरान जैसे कई विवादों में सुर्खियों में रहे थे। उन्हें कुछ समय के लिए निष्कासित भी करना पड़ा था, लेकिन बाद में उनकी वापसी हो गई। दरअसल प्रदेश में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए विधायकों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा गया। इससे पहले प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बदलकर सरकार विरोधी माहौल को शांत करने की कोशिश की जा चुकी है। वहीं बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत कांग्रेस आलाकमान के संकेत के इंतजार में बैठे हैं। हरक सिंह रावत बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के बजाय आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश में थे। हरक सिंह रावत अपनी सीट बदलने और अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरक सिंह रावत का गढ़वाल की कई सीटों पर खासा असर बताया जाता है, इसीलिए कांग्रेस के नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उन्हें पार्टी में लाने की जुगत लगा रही है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के भरोसेमंद हरीश रावत उनकी वापसी का विरोध कर रहे हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें वेट एंड वॉच करने को कहा है। ऐसे में हरक सिंह रावत को इंतजार की घड़ियां युगों के बराबर लंबी लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।